आप रानी महल के जस्ट से ये रिवर निकला हुआ है, रिवर आप देख सकते हैं। आधा नहीं था इस वीडियो में, नहीं करना हिंदी, आधा नहीं हिंदी क्या नहीं बोलिए। अरे मजा आएगा देखने में। वो राणा था जी, वो प्रधानमंत्री था, वो उसका रानी का याद में बनाया है, रानी मरने का बाद। अच्छा, रानी रानी की याद में बनाया है। हाँ यार, सुबह सुबह डॉगी से मुलाकात होगी हमारी, और इसको देखते ही मैं डर गया भाई। चल चल अंदर, चल अंदर, चल अंदर, चल अंदर, चल पे अंदर, चल अंदर, हट हट, चल चल नीचे, चल नीचे, चल। साले तूने तो डरा ही दिया मुझे। तो हेलो दोस्तों, अभी हो रहे हैं सुबह के 6 और आप सभी का स्वागत है नेपाल के इन की हसीन वादियों में। मौसम काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हैं। आज का सीन यह है दोस्तों कि आज हम 3 जगह विजिट करने वाले हैं पालपा में, जो काफ़ी फेमस जगह है, काफ़ी खूबसूरत जगह है। उस जगह का नाम हम बता दें आपको अपने वीडियो में, एक है रानी महल, दूसरा है श्रीनगर, तीसरा यहाँ पर ये मिशन हॉस्पिटल। जो वहाँ पर पहुँच पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो भाई कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे 12 बजे से पहले पहले इस रूम को छोड़ना है, क्योंकि यहाँ से मुझे निकलना है फिर पोखरा के लिए, जबकि रानी महल यहाँ से 10 किलोमीटर है, अप डाउन मेरा 20 किलोमीटर पड़ जाएगा। श्रीनगर मेरा यहाँ से 6 से 7 किलोमीटर है, ये भी समझ लीजिए काफ़ी टाइम लगेगा, काफ़ी लंबा चौड़ा है, तो समझ सकते हैं आप। थोड़ा सा मैं बाइक कैमरे से यहाँ का व्यू दिखा देता हूँ, नज़ारा दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं कल भी दिखाया था और आज सुबह मॉर्निंग का नज़ारा किस तरह से है वो मैं दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों, नेपाल के पहाड़ों का खूबसूरत नज़ारा इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये मानसून काफ़ी अच्छा है, मौसम बादल एकदम से साफ हैं, बारिश आने का कोई संभावना नहीं है, कोई वो नहीं है, लेकिन पहाड़ है, पहाड़ों में तुरंत मानसून बनता है, तुरंत बारिश होने लगती है। तो दोस्तों इस तरह से नज़ारा है, और हम चल रहे हैं, ये देख सकते हैं मंजन ब्रूस हमारे हाथ में है, मंजन ब्रूस करते हैं, उसके बाद में फिर यहाँ से नहा धुल कर तुरंत निकलते हैं बिना देरी किए। अभी कुछ देर पहले हमने देखा था पूरा मौसम एकदम साफ था, बादल भी साफ थे, लेकिन कुछ ही पल में इस तरह से मानसून ने अपना रुख बदल दिया। चलते हैं, नहाने का जुगाड़ करना है। यहाँ पर बताया था हमने एक झरना है, उस झरने के पास, तो देखते हैं नहाने का व्यवस्था कैसा है, हम लोग कैसे नहा सकते हैं। आप लोग भी थोड़ा सा मज़ा लीजिए यहाँ का। तो झरने की आवाज़ जो है काफ़ी तेज़ आ रही है, सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे की तरफ जा रहे हैं हम लोग, और हमारा रूम जो है होटल मनकामना, उसी में हम लोग रुके थे। हम लोग पहुंच गए झरने के पास, नहाएंगे धुलेंगे। ये हम लोगों का नहाना जो था वो कैंसिल हो गया, क्योंकि झरने के पास हम गए थे तो वहाँ पर यहाँ की जो औरतें हैं, बच्चे हैं, कोई पानी भर रहा है, कोई नहा रहा है, कोई कपड़ा धुल रहा है, तो भैया हम लोगों को मौका नहीं मिल पाएगा, हम लोग कब तक बैठे रहेंगे। और फिर मुझे यहाँ का जो 2-3 जगह मैंने बताया वीडियो में उसे विजिट करना है, तो चाय पीते हैं, चाय पीने के बाद में यहाँ से सीधे निकलते हैं घूमने टहलने के लिए। तो चलते हैं, चाय आ गया भाई, चाय पीते हैं और नाश्ता कहीं बाहर करेंगे हम लोग। और रास्ते में रुक गए हैं क्योंकि जो हमारा भंसार वाला पेपर है और आरसी पेपर है वो भूला है रूम पर, तो बंदा गया है लेने के लिए, जब वो आ जाएगा उसके बाद में फिर यहाँ से निकलते हैं, हम नहीं बैठ चाहिए। देखिए नीचे, यहाँ से एक अच्छा व्यू देखने को मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर हम रुके हैं। और ये जो पहाड़ी है हम ऊपर से होकर आए हैं, बैक कैमरे से दिखा रहे हैं आपको हम।
आप वहाँ देख सकते हैं सिटी ऊपर है और वहाँ से हम नीचे ऐसे आए हैं, पूरा एकदम से ढलान है। पहले तो हमने चढ़ाई की है, चढ़ाई करने के बाद में फिर ढलान हो रहा है। अब ये रानी महल तक के हम लोग एकदम से ढलान ही की तरफ जाएंगे, यानी यार टोटली पूरा एकदम से ढलान है यहाँ पर। रानी महल हम दूसरी बार विजिट कर रहे हैं यहाँ पर, इससे पहले 2018 में आया था। तो 2018 में जब आया था तो ये रोड नहीं थी, पूरी एकदम से कच्ची थी और ये जो पहाड़ थे, पहाड़ मतलब अपनी जगह से भूस्खलन यानी खिसक रहे थे रोडों पर, काफ़ी क्या बोल मलबा, काफ़ी मलबा जमा हुआ था। हम लोग कैसे गए थे उस टाइम हम ही जानते हैं। तो दोस्तों आज जब हम आए हैं मतलब 2022 में रोड बनी हुई है, काफ़ी अच्छी रोड है, आराम से आ सकते हैं, आराम से जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखा था कि अच्छा व्यू है, नज़ारा है, तो इसलिए हम रुक गए थे दिखाने के लिए। तो वहाँ पर हमारे महेश भाई रुके हुए हैं क्योंकि उनका ब्रेक पूरी तरह से एकदम से फेल हो चुका है। अगला ब्रेक लेके तो आ नहीं सकते भाई, देखिए कंकर इतना ज़ोरदार है कि अगर ज़रा सा स्लिप करेगी तो फिर नीचे ढूंढते ढूंढते आ जाएंगे। तो 10 मिनट वेट कर लें, उसके बाद में ब्रेक सही हो जाएगा। 2018 में जब हम आए थे तो यहाँ का नज़ारा कुछ और था, लेकिन इस टाइम जब आए हैं 2022 में तो यहाँ का नज़ारा कुछ और हो गया है, क्योंकि रानी महल के अलावा यहाँ पर कोई सुविधा नहीं थी कि आप यहाँ पर कुछ खा पी सकें, चाय पानी वगैरह या नाश्ता, जो चीज़ आपको खाने का दिल कर रहा है वो चीज़ वो नहीं पाते आप उस टाइम। लेकिन इस टाइम यहाँ पर बहुत सारी तब्दीलियाँ हो चुकी हैं, मैं बैक कैमरे से आपको दिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ। तो दोस्तों ये सामने हमारे रानी महल है और इसके बगल में ये रिवर है, रिवर आप देख सकते हैं। ये घर हैं, होटल हैं और उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं बिल्डिंगें बनी हुई हैं, मकान बनी हुई हैं, जो पहले ये सारी चीज़ें नहीं थी। हम समझ लीजिए हाईएस्ट हाइट पे थे, यानी जो पालपा सिटी है यानी तानसेन सिटी है वो एकदम ऊंचाई पर है और वहाँ से हम एकदम से नीचे यानी सतह पर आ चुके हैं जहाँ से ये रिवर आप देख सकते हैं बह रहा है। अब रिवर कहाँ पर बहता है आप लोग खुद समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं और यहाँ का ये खूबसूरत नज़ारा है। आप रानी महल के जस्ट से ये रिवर निकला हुआ है, रिवर आप देख सकते हैं ज़ोरदार का बहाव है इसमें, हम दिखा दें आपको। और ये हमारे भाई लोग वहाँ पर अपना फोटोग्राफी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। चल रहे हैं अंदर रानी महल के, उसके बाद में यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है नेपाली में, आप लोग इसको जूम करके पढ़ सकते हैं है क्या है। ये देखिए है पूरा हिंदी ही, बस पढ़ने में आपके वो होना चाहिए। ऐतिहासिक रानी घाट दरबार के बारे में लिखा है। हम लोगों की बाइक वहाँ पे पार्क है। काफी पुराना महल है, राजा इमारतें ऐतिहासिक। आप समझ सकते हैं कि जहाँ से हम आए हैं और इस जगह पर महल को महल का आगाज करवाना यानी बनवाना काफ़ी सोचने वाली बात है। उस टाइम या उस ज़माने में कैसे राजा साहब यहाँ पर आते थे, फिर यहाँ से सिटी के ऊपर यानी सिटी में जाते थे, काफ़ी सोचने वाली बात है। आपको बता दें दोस्तों, हम जब आए थे 2018 में तो यहाँ फ्री एक्सप्लोर कर सकते थे, घूम सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इस बार 75 रुपीज़ पर हेड का लगता है यहाँ पर घूमने के लिए। और ये हमारे भाई लोग चढ़ रहे हैं, ये मंदिर है, काफ़ी अच्छी जगह है। हम लोगों का जो मकसद था यहाँ पर आने का यही था, घूमना, टहलना, देखना। घंटा भी आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा है ये। दोस्तों यहाँ पर जो चार्ज लगाया गया है टिकट का, यानी और हम जो इंडियन हैं, इंडियन के लिए 75 रुपीज़ है, बाकी जो फॉरेन कंट्री के लोग हैं मतलब जैसे विदेशी, अमेरिका, लंदन और जगह के मतलब ऐसे ऐसे कंट्रियाँ जो हैं वो लोग अगर यहाँ पे आते हैं तो 300 रुपया पर हेड पड़ता है। खैर ठीक है, कोई बात नहीं है, हमें खुशी है, कम से कम जो भी पैसा यहाँ पे आता है वो इसी में इन्वेस्ट होगा, इसी की रिपेयरिंग होगी,
साफ़ सफाई होगी, यहाँ पर जो काम करने वाले हैं उनके ऊपर भी खर्च होगा, अच्छी बात है। तो हम ऊपर एकदम फ्लोर पर आ गए हैं, तो हम बैक कैमरे से यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। अब ये देखिए रानी महल का नज़ारा ऊपर एकदम, चलें पीछे की तरफ, वहाँ से कुछ आनंद लेते हैं भाई, क्योंकि आने का यहाँ का जो मकसद हमारा है आप लोगों को पूरा दिखाना है, पूरा बताना है। आप लोग भी अगर यहाँ पे आते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी ले सकते हैं, फिर यहाँ पर आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए वहाँ पर शायद किचन उचन है, खाना पानी बन रहा है इन लोगों का रहने के लिए। रिवर देख सकते हैं यहाँ से, रिवर का नज़ारा यहाँ से लीजिए, काफ़ी मज़ा आएगा। यहाँ से अब हम चल रहे हैं अंदर की तरफ, ये लास्ट फ्लोर है, और ये देखिए पुराने ज़माने वाला लालटेन भाई, जो अब नहीं देखने को मिलता है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हम अपना उतारेंगे चप्पल और उसके बाद में चलेंगे ऊपर की तरफ। ये देखिए क्या क्या है भाई, यहाँ पे सब खुला हुआ है। ये देखिए बहुत अच्छी जगह पर हम पहुँचे हैं, ये राजा साहब हैं और ये रानी साहिबा हैं। अभी हम कुछ जानकारी लेंगे जो यहाँ पर गार्ड हैं उनसे यहाँ के बारे में, वो कुछ मुझे बताएंगे, फिर आप तक ये बात हम पहुँचाएंगे। तो चल रहे हैं ऊपर, अब हमने उचित नहीं समझा कि चप्पल हम पहन के आएँ। कमरे खुले हुए हैं और यहाँ पर क्या होगा, ये शायद म्यूजियम है, म्यूजियम में बर्तने संग्रह, फोटो खींचने मना ही था, बनाइए जल्दी से। और यहाँ से नज़ारा कुछ और दिख रहा है भाई, एक फ्लोर और बचा है उस पर भी जा रहे हैं ऊपर, हम ऊपर से भी देख लें। तो दोस्तों रानी महल को हमने पूरी तरह से एक्सप्लोर कर लिया है और आप लोगों को दिखा दिया है, और अब हम चल रहे हैं नीचे की तरफ और थोड़ी सी जानकारी लेते हैं यहाँ के जो गार्ड हैं उनसे पूछते हैं कि इसके बारे में कुछ बताइए आप। राजा नहीं था, इस वीडियो में नहीं करना, हिंदी आता नहीं, हिंदी क्या है, बोलिए। अरे मजा आएगा देखने में। ये नेपाल का वो साहब वंशी राजा नहीं था, ये राणा कालीन। जी जी, वो राणा था जी, वो प्रधानमंत्री था। हाँ, वो उसका रानी का याद में ये बनाया है, रानी मरने का बाद। अच्छा, रानी की याद में बनाया है। हाँ, याद में बनाया है। हाँ, वही तो इसका? ये 1954 साल विक्रम संवत नेपाल का, 1954 इसमें बनाया है। यानी समझ लीजिए कि 1954 यानी 50-20-70 अभी 125 साल होने को लगा, 125 साल पहले ये बना था। तो 125 साल पहले तो यहाँ से फिर वहाँ आने में और जाने में मतलब दिक्कत, रास्ता नहीं था, तो कैसे आते थे, कैसे जाते थे? अभी लोगों काम किया होगा, इधर से थोड़ा थोड़ा सामान लेके आया होगा उसी टाइम। चलिए ठीक है, जो भी आपको जानकारी थी वो बता दिया है मुझे, और मुझे अच्छा लगा यहाँ पर आकर, और काफ़ी अच्छी जगह है, खूबसूरत जगह है। तो यहाँ से हम लोग अब चल रहे हैं और वहाँ पर कुछ नाश्ता पानी करते हैं, उसके बाद भी फिर निकलते हैं। करीब 9 बज रहे हैं, तो अभी तक हम लोग चाय ही पिए थे, तो हमने सोचा कि चलो हल्का फुल्का कुछ नाश्ता कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऑर्डर दिया है मैगी का भाई, लेकिन इन लोगों के भाषा में उसे चौचो कहा जाता है, वही खाएंगे और खाने के बाद में फिर यहाँ से निकलते हैं श्रीनगर के लिए। दोस्तों हमारे पास 2 घंटा टाइम और बचा है, 10 बज चुके हैं, और अब हम चल रहे हैं श्रीनगर के लिए। श्रीनगर हम एक्सप्लोर करते हैं, उसके बाद में फिर सीधे यहाँ से निकलते हैं पोखरा के लिए, और रास्ता आप जानते हैं कैसा है। तो रानी महल से हम पहुँच गए हैं श्रीनगर, और लेकिन यहाँ पर भाई कुछ अजीब सा दिख रहा है, और ये आवाज़ें जो आप सुन रहे हैं, एक बार आवाज़ सुनिए यहाँ का,
काफ़ी भयानक और डरावनी आवाज़ है, लेकिन सब कुछ यहाँ पे बंद है। अब हम सोच रहे हैं कि मतलब अंदर कैसे एंट्री करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को कोई गाइड करने वाला नहीं है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि एक दरवाज़ा खुला है, देखते हैं। जिसकी वजह से हम सोच रहे हैं कि यार अंदर जाना उचित नहीं है, क्योंकि कोई है नहीं यहाँ पर बताने वाला, गाइड करने वाला, जिससे हम श्रीनगर एक्सप्लोर कर सकें और देख सकें, आप लोगों को भी दिखा सकें। तो सोच रहे हैं कि यहाँ से निकलते हैं भैया, जाना ठीक नहीं है, तो अपने होटल चलते हैं। होटल चलने के बाद में अपनी तैयारी बनाते हैं पोखरा के लिए, और पोखरा अगर हम टाइम से पहुँच जाते हैं तो पहला दिन भी मतलब थोड़ा बहुत घूम टहल लेंगे, आराम कर लेंगे, रेस्ट कर लेंगे, उसके बाद में सुबह से पूरा एकदम से घूमेंगे तो मज़ा आएगा। अब बैक कैमरे से हम दिखा देते हैं आपको यहाँ का नज़ारा, ये है श्रीनगर का माहौल। अंदर एक हरा हनुमान जी हैं जो विराजमान है यहाँ पे, काफ़ी बड़ी मूर्ति उनकी है, और कुछ लोग वहाँ पर दिख रहे हैं काम करने वाले, तो चलते हैं वहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर एक मात्र दुकान लगा हुआ है, और यहाँ से हम लोग चल रहे हैं, जो हमारे साथी लोग हैं ये देखिए आगे जा रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि चलो चलते हैं होटल और वहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, रेस्ट करने के बाद में फिर निकलते हैं पोखरा के लिए। तो मैं कहा चलिए भैया, हम तो बहुत पहले यहाँ पर घूम चुके हैं, देख चुके हैं, काफ़ी भीड़ होती है यहाँ पर, लेकिन हम लोग पहले आ चुके हैं, 12 बजे के बाद में अगर आते तो नज़ारा कुछ अलग ही होता यहाँ का, लेकिन 12 बजे से पहले पहले मुझे होटल छोड़ना है, निकलना है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं। ओ त्रिकी, कितना खूबसूरत नज़ारा यार तानसेन का भाई। दिन के 11 बज रहे हैं और मैंने जो नज़ारा दिखाया था वो सुबह का दिखाया था, शाम का दिखाया था, लेकिन इस टाइम का व्यू काफ़ी ज़ोरदार है, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा भाई। दोस्तों उम्मीद करता हूं यार वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, आगे बढ़ाएँ, और ऐसे ही वीडियो मैं आप सबके लिए लेकर आता रहूँगा। आपने देखा तानसेन, पालपा सिटी, रानी महल, यानी जहाँ तक मैं एक्सप्लोर कर पाया वहाँ तक किया, और उसके बाद में अब यहीं से हम निकल रहे हैं पोखरा के लिए। तो अपनी वीडियो यहाँ तक मतलब एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो हम शुरू करने वाले हैं जो यहाँ से पालपा से निकलेंगे पोखरा के लिए। तो चलते हैं, वीडियो को बंद करते हैं यहाँ पर, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।